हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइज, ये साल जो है मेरा फर्स्ट ब्लॉग जाएगा छठ पूजा का, क्योंकि छठ पूजा तो हम लोग करते थे लेकिन 3 साल से हमारे घर में नहीं हुआ था, तो ये साल से हो रहा है। तो आप लोगों तक मैं पहुंचाने का कोशिश करूंगी कि छठ पूजा का ब्लॉग आप तक दूँ। तो देखिए अभी क्या तैयारी हो रही है। तो आज जो है, आज से हम लोग के घर में पूरा निरामिष मतलब सादा खाना बनेगा। ऐसे तो सादा ही चल रहा है, तो आज से लहसुन प्याज भी बंद है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि क्या तैयारी हो रही है छठ पूजा की। तो ये है हमारे प्यारे हबी जी, आप देख सकते हैं। थोड़ा आप हाय हेलो कर दीजिए, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। तो छठ पूजा के विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। कुछ नहीं, पुराना सूट निकाल के साफ कर रहे सब। तो ये देखिए गाइस, ये जितना सूप है सब निकला हुआ है। ये सब में सफाई में ये लगे हुए हैं, इन्होंने निकाला है सबको। और मेन सूप है जो हमारा, ये पीतल का सूप, इसी में हम लोग जो है पूरा सजा कर फल वगैरह जो भी है छठ पूजा का, छठ मैया का जो भी चढ़ता है वो सभी चीज़ें उसी में, मतलब पीतल का जो है उसमें मैं चढ़ाऊंगी। और कैसे कैसे आगे चलता है, तो आज तो कुछ नहीं है। ये देखिए कढ़ाई का क्या हाल हुआ है, इसे भी चमकाना है क्योंकि यही कढ़ाई में हर साल ठेकुआ छनाता है। तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं, क्या मंगा कर तो पीताम्बरी पाउडर का बात बोल रहे हैं मेरे हबी जी की, पीताम्बरी से साफ करना सारा सूप को। तो ठीक है, आप ला दीजिएगा तो हम साफ कर लेंगे। और ये देखिएगा इधर जो है सूप रखा हुआ है। तो मैं और जो मेरी जेठानी है बड़ी वाली, वो करेंगे, हम लोग दोनों जन करेंगे मिलकर। तो ये देखिए, तो इधर सफाई हो रहे हैं, अभी ये ऐसी झाड़ दे रहे हैं, बाद में मैं इसे मांजूंगी। तो जब मैं मांजूंगी, आज का और कल का वीडियो आप तक जाएगा, मतलब आज जो ये सूप निकाला है आज का और कल लौकी भात का। तो कल लौकी भात है तो कल भी मैं वीडियो करूंगी, तो दोनों मिलाकर वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो गाइज अभी जो है खाना भी बनने के लिए मैं चढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए फैमिली, इधर भात जो है हमारा हो रहा है और इधर देखिए दाल चढ़े हुए हैं। तो दाल में मैं आलू डालूंगी चोखा के लिए, और ये बर्तन जो है माँच के मैंने रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं पूरा साफ सफाई अच्छे से जोरों शोरों से हो रहा है, छठ माई का कृपा सब पर है और आप पर भी बना रहे, और हम पर तो बहुत ज्यादा बना रहे। तो फैमिली आप लोग प्लीज सपोर्ट करिएगा, देखिएगा हमारे छठ पूजा ब्लॉग पूरा फुल वाचिंग लेकर। तो ये मेरा पहला ब्लॉग रहेगा अपना खुद का छठ पूजा करने का। ये देखिए फैमिली, इधर जो है वो जो सूप वगैरह उन्होंने निकाला था तो सबको झाड़ कर फिर मैं जो है पाइप लगा कर जो है धुल रही हूँ। आज सूप धुलने के बाद जो है कपड़ा भी रखा हुआ था धुलने के लिए, सारे कपड़े भी मैंने धुल दिए हैं। आज मेरी मम्मी और इधर देखिए आप वॉइस कर दीजिए, लौकी छील रही हूँ मैं क्योंकि आज लौकी भात है नहान खान, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 2 दिन का मैं वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो ये देखिए, हेलो गाइस, हैप्पी लौकी भात। तो आज है लौकी बनाने में, लौकी और ये है चना दाल, तो इन सबको देखकर बनाऊंगी। तो मैं नहा धुआ ली हूँ और लौकी भात जो अभी नहाए बनता नहीं है, तो इसीलिए हम नहा लिए हैं और ये लौकी जो है काट रहे हैं। तो आप लोग देखिए, तो ये वीडियो जो है लौकी भात और इसका सब मिला करके मैं आप लोगों तक कल तक पहुंचाऊंगी। तो लौकी का जो है रेसिपी तो आपको दिखाऊंगी कि बिना लहसुन प्याज के लौकी भात में किस तरह से बना रही हूँ। तो मिलते हैं थोड़ा देर बाद। तो फैमिली माफ करिएगा,
तो इधर जो है गाइज लौकी सबको मैं काट ले रही हूँ, और काटने के बाद जो है मैं जितना हो सकता है फैमिली आपको रेसिपी दिखाने का कोशिश की थी, लेकिन मैं भूल गई थी कैमरा ऑन करना, तो कुछ कुछ है और कुछ कुछ बाकी है, मतलब ये हो गया। लेकिन आपको 2 दिन का जो है लौकी भात का मतलब नहान खान का पूरा वीडियो मैं आपको, ये मेरा छठ पूजा का लौकी भात का नहान खान का पहला वीडियो है फैमिली, तो इसको प्लीज़ आप लोग फुल वाचिंग देकर देखिएगा। तो ये देखिए प्रेशर कुकर मैंने धुल लिया है, और उधर जो है मैं भात चढ़ा चुकी हूँ। तो भात चढ़ाने से पहले जो है चूल्हा को मैंने टेक लिया था सिंदूर से, क्योंकि नहाए खाए का दिन तो अच्छे से गैस को पोछ पाछ के मैंने जो है लिया था। दालचीनी है, 2-3 पीस इलायची है, और 2-3 पीस लौंग है, और एक एक जो है ना स्टार फल जो होता है ना स्टार फूल उसका थोड़ा सा टुकड़ा है, और ये 4 सूखी मिर्च है, और तेज पत्ते 4-5 ले ली हूँ मैं। ये लौकी का जो है छोंक में लगेगा, तो देखिए फैमिली आपको जो है मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी, दिखाना भूल गई। तो ये देखिए इसमें जो है जैसे मैंने आपको दिखाया गरम मसाला ये सब दे करके छौंक दे दिया है, जीरा का छौंक नहीं है इसमें, और ये जो है टमाटर भी काट करके दे दी हूँ मैं, क्योंकि टमाटर से थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए हो रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा आपको मैं दिखा दूँ। गाइज आप देख सकते हैं इधर जो है मैं छोंक उग दी थी, तो मैंने जो है म्यूज़िक लगा दिया था गाइज, क्योंकि उतना वॉइस करना मतलब कर सकती थी, लेकिन क्या जो है ना कुछ काम म्यूज़िक में भी अच्छे लगते हैं, तो वही मैं कर रही थी, और मैंने सोचा म्यूज़िक लगा दूं। तो इधर देखिए चावल उबल धोकर जो है इधर भात हमारा जो है हो गया है, तो ये जो है ना घी का डब्बा में थोड़ा बहुत घी लगा हुआ था, तो मैंने क्या किया कि उसे गर्म भात में ऐसे करके उल्टा करके रख दिया, जो भी घी रहेगा वो गिर जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे से डब्बा जो है क्लीन हो गया था, एकदम घी नहीं था उसमें, पूरा चावल में चला गया था। तो देखिए कितना साफ़ हो गया ना। इसी तरह का ट्रिक आप लोग लेते रहें हमसे, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिए फैमिली। तो जो नए फैमिली जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपने देखा ना लौकी की सब्ज़ी हो चुकी है, और प्रेशर कुकर में मैंने जो है फिर बंद करके आपको दिखा कर फिर बंद करके रख दिया। तो इधर जो है मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि लेट भी हो रहा था, मेरे हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था, तो इसीलिए जो है मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो फिर ऑफिस जाते जाते में फिर मेरे हस्बैंड बोले कि अभी आज बाहर में थोड़ा काम है, तो मैं ऑफ़िस अभी नहीं जाऊंगा, लेट से जाऊंगा, नहीं तो कल जाऊंगा, इस तरह से बोले कि ऑफ़िस का ही काम है, बाहर में है। तो मैंने बोला कि ठीक है, जब बाहर में है तो आप थोड़ा आराम से ही जाएं। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर मेरा जल्दी जो हड़बड़ी था वो स्लोली में बदल गया। तो इधर देखिए मैं जो है लौकी चावल रोटी ये सब निकाल दे रही हूँ। अपने बेटा को मैंने बोला जाओ डैडी को देकर आओ, और तुम भी नाश्ता कर लो। तो
तो भी जो है लौकी चावल और रोटी रोटी सब खा रहे थे। तो इधर देखिए, इधर जो है मैं निकाल रही हूँ लौकी भात। किस लिए निकाल रही हूँ, इसमें जो है हम लोग तीन तीन देवरानी जेठानी है, सब मिलकर खाएंगे। तो खाने में ही हो गया था लोचा फैमिली। आज था फ्राइडे और फ्राइडे के दिन जो है मेरी बड़ी वाली जेठानी बिल्कुल ही नहीं खाती है खट्टा वगैरह, और मैंने जो है गलती से टमाटर डाल दिया था और मुझे एकदम याद नहीं था कि उन्हें भी खिलाना है मुझे। तो ये तो मेरे से गलती हो गया था, खैर संतोषी मैं माफ़ करें, मैंने ये चीज़ जानबूझ के नहीं किया था। तो फिर लौकी भात के दिन मेरे हस्बैंड काम करके जो है आ गए थे, तो उन्होंने बोला चलो टाइम है तुम अपने लिए साड़ी खरीद लो छठ पूजा के लिए। तो ये देखिए फैमिली, ये है हमारा छठ पूजा का साड़ी। तो ये जो ग्रीन वाला साड़ी है ये मैंने सोचा था कि खरना में पहनूंगी मैं, लेकिन साड़ी में जो है निकल गया था छेदा, तो मैंने उस साड़ी को फेरत करने के लिए दे दिया और ये येलो साड़ी पहनकर मैं खरना का पूजा की थी। तो कैसा लग रहा आपको हमारा साड़ी, और यदि अच्छा लग रहा है गाइस तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स, और जो नए फैमिली जुड़ रहे हैं वो हमारे वीडियो को